हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि सिद्ध कीजिए रूट थ्री या फिर रूट फाइव या फिर रूट टू या फिर रूट सेवन। क्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। ये एक क्वेश्चन आता ही आता है क्लास टेंथ के बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम किसी एक पर डिस्कस कर देंगे, आप उसी कॉन्सेप्ट से किसी को भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं प्रॉपर हैंडल लगाइए, ठीक है। हेडर लगा लिए, देखिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे सिद्ध करते हैं कि रूट थ्री रूट फाइव या रूट सेवन क्या है। कुछ भी हो सकता है कि ये मान लीजिए कि आपका रूट इलेवन हो गया, रूट सेवनटीन हो गया, रूट ट्वेंटी थ्री हो गया, कुछ भी आ सकता है। ये कब ज्यादातर ये सब आता है, रूट थ्री रूट फाइव रूट टू रूट सेवन, ये चार तो ज्यादातर आता रहता है। प्रूफ करने बोले सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है देखते हैं फटाफट से। तो देखिए वीडियो को समझ आपके तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्रूफ करना है कि अपरिमेय है तो मान के चलना पड़ेगा अपरिमेय, तो मान लेते हैं आराम से, लिखना पड़ता है ऐसे बहुत कुछ। यदि संभव हो तो माना कि रूट थ्री ले निकलते हैं, माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, और परिमेय तो प्रूफ करना है तो परिमेय लेकर चलना पड़ेगा ना। ये मान लिए यदि संभव हो तो माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब क्या होता है कि रूट थ्री बराबर पी बटा क्यू होगा, लेकिन जहां पे क्यू क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो कंडीशन ना परिमेय संख्या क्या हो कि पी बटा क्यू के रूप में हो लेकिन क्यू क्या हो जीरो नहीं हो, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसी केस को बस वैलिड करेंगे अब, देखिए तो ये इतना होगा। तो ऐसा कीजिए फटाफट से दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए वर्क कर लीजिए, यानी दोनों तरफ वर्क यानी स्क्वायर करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्ग मतलब इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर होगा। तो रूट थ्री का ये तो खत्म हो जाएगा, तो थ्री ये आपका पी स्क्वायर ये आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टी कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर। क्लियर है, कुछ ये नहीं, बस मान लीजिए कि आपका रूट थ्री क्या है परिमेय संख्या, फिर परिमेय है मतलब रूट थ्री बराबर पी बाई क्यू होगा। तो बस कुछ नहीं किए दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर किए, फिर के इतना सॉल्व किया, इतना कीजिए फटाफट से। तो इतना कर लिए, तो अब एक कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि थ्री जो है अपना जो थ्री है ये थ्री जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि थ्री इसको थ्री जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। इसीलिए थ्री पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ यही आता है कि पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर हुआ, तो ये थ्री जो है इस पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब पूरा पूरी काट देगा। तो जब थ्री पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो थ्री पी को भी कट करेगा, ठीक है। तो यहां तक मान लेते पहला इक्वेशन, ये हो गया आपका पहला, क्लियर है। यहां तक उतारे कुछ किए नहीं है, मान लिया है रूट थ्री क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब पी बाई क्यू के रूप में होगा ही, उस तरह से कंडीशन लगा है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि थ्री जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, थ्री पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो थ्री पी को भी विभाजित करेगा, जब स्क्वायर को काटेगा तो उसको भी काटेगा ना। तो ये कौन सा करेगा, यहां तक उतारिए क्लियर करके, फिर आगे चलेंगे। इतना उतार लिए होंगे, अब देखिए आगे देखते हैं इसी का आगे वाला स्टेप होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता हो और फिर से मानते हैं, मान लेते हैं कि पी बराबर थ्री आ रहा है, यहाँ पे R जो है आपका क्या है पूर्णांक है, ध्यान रखिएगा R क्या है पूर्णांक यानी इंटीजर है। अब देखिए दोनों तरफ फिर से वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर थ्री आर का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा थ्री यानी डायरेक्ट करते हैं ना नाइन आर स्क्वायर। तो उधर देखे होंगे पी स्क्वायर बराबर आपको मिला था थ्री क्यू स्क्वायर समीकरण वन में, तो उसी का यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए इतना होगा, ये इससे कट जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3r स्क्वायर। फिर सिमिलरली यहां वही कांसेप्ट लगाएंगे कि 3 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 3 क्या होगा q को भी विभाजित करता है करेगा। ये हो गया इक्वेशन, एकदम सेम कांसेप्ट है पहला में जो किए थे वही किए। यहां पे फिर से नया माने p बराबर 3r वर्क किए, इतना आया वहां पे p स्क्वायर का मतलब 3q स्क्वायर लगे बिठा दिए कट कूट किए, ठीक है ना।
तो ये अपना दूसरा इक्वेशन, दोनों सिंपल है, दोनों में वैल्यू लगाएं, वहां क्या कहते हैं 3p स्क्वायर विभाजित करता है 3p को करेगा, तो यहां किए गए 3q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 किसको करेगा, q को भी करेगा विभाजित, क्लियर है, स्क्वायर को जब करेगा तो उस नंबर को भी करेगा, इतना याद रखें कांसेप्ट इसका, क्लियर है, इतना उतारिए, अब देखिए कंक्लूजन निकालें, अब दोनों को मिला करके हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, मिटाएंगे इसको, उतार लिए होंगे, अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा, कि कंक्लूजन ये निकलेगा आपका कि P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है इसीलिए रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि रूट थ्री क्या होता है, लेकिन रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, ये तो हम लोग जानते हैं रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो गया कि हमारी जो मान्यता हो गई वो गलत हो गई, हमारी मान्यता गलत है, अतः फाइनली क्या हुआ, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया इसका पूर्ण, इतना आप लिखेंगे तब जाकर के आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है, तो उसको उतारिए, कुछ नहीं किए, p तथा q क्या पूर्णांक है, इंटीजर है, इसीलिए वो क्या होगा, रूट थ्री एक परिमेय संख्या, जब भी q और q पूर्णांक होगा मतलब वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट थ्री क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इसलिए जो हम माने थे वो गलत हो गया, अतः रूट थ्री क्या है, अपरिमेय संख्या, अप्रूव हो गया फटाफट से, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए 10 क्लास में ना एक क्वेश्चन आता ही आता रहता है, हर साल ऐसा ही होता है, पहला पेपर में हो या दूसरा पेपर में आपको दिखेगा, उतारिए फटाफट से, तो इसको तो उतार लिए होंगे, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, रूट थ्री रूट टू कर सकते हैं, रूट सेवन कर सकते हैं, रूट फाइव कर सकते हैं, ये सब आप खुद से करिएगा, सेम प्रोसेस लगाइएगा, कुछ भी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है ना, एक फॉर्म अच्छे से एक्सप्लेन करती है इसको, अगर आप समझ नहीं आएगा तो एक बार दो बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से, कुछ दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा कमेंट करके, इसको दोबारा से रिपीट किया जाएगा, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें अंसारी मैथ के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू।